दोस्तों रिसेंटली उदयपुर टू जयपुर वंदे भारत की वीडियो तो आपने देखी ही होगी कि कैसे इस ट्रेन के ट्रैक पर पत्थर रखे हुए थे और जिस हिसाब से ये पत्थर रखे गए थे उससे ये कन्फर्म था कि अगर ट्रेन अपने अलॉटेड स्पीड पर होती तो मंजर कुछ और ही होता। जी हाँ, आप देख ही सकते हैं कि किस हिसाब से पत्थर को जॉइंट्स पर दो छोटे रॉड से फिक्स किया गया था ताकि ट्रेन की फ्रंट गार्ड भी इसका कुछ ना उखाड़ पाए। दोस्तों जैसे ही इस वीडियो को कई न्यूज़ पेजेस ने अपने प्रोफाइल पर शेयर किया उस पर रिएक्शन भी आने लगे और एक ऐसा ही रिएक्शन आया सिड शर्मा नाम के एक जाहिल व्यक्ति का, जिनका मानना है कि ये पत्थर खुद ट्रेन के लोको पायलट्स ने उतरकर पहले सेट किया, उसके बाद खुद ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। पता नहीं इतनी जाहिलियत लोग लाते कहां से हैं। खैर, इस जाहिल व्यक्ति को जवाब देने के लिए अब वो वीडियो भी आ गया है जिसमें ये देखा जा सकता है कि कैसे लोको पायलट ने ट्रैक पर रखे हुए पत्थर को देखकर ये ट्रेन रोक लिया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड ऑलरेडी स्लो थी क्योंकि ट्रैक पर कुछ कैटल्स आ गई थी, लेकिन अगर ये गाय उस दिन ट्रैक पर नहीं आती और वंदे भारत अपनी अलॉटेड स्पीड पर होती तो शायद हमें कुछ और ही मंजर देखने को मिलता। लेकिन दोस्तों पत्थरबाजों के इस मिशन को फेल करने के लिए खुद गौ माता सामने आ गई और सैकड़ों पैसेंजर की जान बचा गई। तो क्या कुछ हुआ इस वीडियो में आप खुद देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक पर ऑलरेडी कैटल्स थी जिसके कारण ट्रेन ऑलरेडी स्लो स्पीड पर मूव कर रही थी। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन एक्सेलरेट करने ही वाली थी तभी लोको पायलट की नज़र इन पत्थरों पर चली गई और समय रहते उन्होंने ब्रेक ले लिया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोको पायलट ट्रेन से उतरकर पत्थर वगैरह ट्रैक से हटा रहे हैं और इसी टाइम उन्होंने ये वीडियो शूट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। दोस्तों फिलहाल की सिचुएशन ये है कि आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीम वहां की लोकल पुलिस की सहायता से इस साजिश के पीछे के कल्प्रिट्स को ढूंढने में लगे हुए हैं और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट सामने आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।